गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन योर कन्वर्सेशन क्लास। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द लेसन टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ आवर बॉडी द पार्ट वन, एंड नाउ इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द पार्ट टू ऑफ आवर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। बट बिफोर स्टार्टिंग आई विल रिवाइज इन जस्ट 30 seconds द पार्ट वन। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 4, Lesson 2. The question number 1 was, how many bones does the adult human body have? Ek adult human body mein kitne bones hote hain? There are 206, means 206 haddiya hoti hain. Number 2 was, how many bones are there in our hands including the wrist? Aur hamare hands mein kitni body, hamare hand mein kitni bones hoti hain including the wrist? रिस्ट को मिलाकर तो पूरी कितनी होती है? 54 बोन्स। नाउ द थर्ड वाज, हाउ मेनी बोन्स इज द ह्यूमन फेस मेड अप ऑफ? हमारे फेस में कितनी हड्डी, हमारा फेस कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है? आंसर वाज 14 बोन्स। नंबर 4 वाज, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द थाई बोन? हमारी थाई बोन कितनी स्ट्रॉन्ग होती है? इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द कॉन्क्रीट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कंक्रीट एक सीमेंट से बना हुआ एक हैवी लेंटर, और उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारी थाई बोन। अगर सपोज करिए कि अगर किसी की थाई बोन किसी एक्सीडेंट में इवेंचुअली क्रैक हो जाती है, तो वो थाई बोन कितनी फोर्सफुली क्रैक हुई होगी। व्हाट आर हेयर एंड नेल्स मेड ऑफ? हेयर और नेल्स किससे मिलकर बने होते हैं? द सब्सटेंस कॉल्ड केराटिन। केराटिन नाम का एक सब्सटेंस है, तत्व है, जिससे मिलकर हमारे नेल्स और हमारे हेयर बने होते हैं। करेक्ट। नाउ कम टू द नंबर 6, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? और हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन हमारे ईयर में होती है, हमारे कान में। कान में छोटी छोटी सी 3 बोन्स होती हैं, जिसमें सबसे छोटी बोन का नेम होता है स्टेप्स। देखिए आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, स्टेप्स बोन्स लोकेटेड इन द ईयर, जो हमारे कान में होती है उसको स्टेप्स बोला जाता है। नंबर 7 वाज, व्हाट इज द ब्रेन मोस्टली मेड अप ऑफ? ब्रेन किससे मिलकर बना है? ज्यादातर ब्रेन किस चीज से मिलकर बना है? 80% ऑफ वाटर। हमारा ब्रेन में 80% ऑफ वाटर होता है, राइट? नाउ टर्न द पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 से अब हम यहाँ पर पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। द नंबर 8 क्वेश्चन, व्हेन इज द ह्यूमन ब्रेन मोर एक्टिव? ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव किस टाइम होता है? आंसर नंबर 8, द ब्रेन इज मोर एक्टिव एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे। एट नाइट हमारा माइंड रात के समय में ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है? बट हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम अगर सो गए तो हमारा माइंड भी रेस्ट कर रहा है, बट वो अपने एक रिकवरी चीज में लगा रहता है। जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी माइंड को एक रिलैक्सिंग फील होती है, लेकिन वो उस टाइम भी वर्किंग वे में रहता है, ठीक है? Now come to the 9th question. How many times does the human heart beat in a year? How many times does the human heart, एक हमारा दिल, human being का जो heart होता है, वो कितने times beat करता है, means धड़कता है? अभी इसमें आपका जो answer लिखा हुआ है, the human heart beats about 35 million times a year, means 35 मिलियन। टाइम्स अ ईयर मींस एक साल में कितने मिलियन बार हमारा दिल धड़कता है? बट ये मिलियन में लिखा हुआ है, इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू 1000 देन 1 मिलियन इज इक्वल टू
1000. तो अभी हमारा ये 35 मिलियन लिखा हुआ है, तो इक्वल टू 35000. क्लियर हो गया? तो एक साल में 35000 टाइम्स हमारा हृदय, हमारा दिल बीट करता है, धड़कता है. ये थी एक साल की बात. लेकिन अगर हम इसे पर मिनट पे लिखते हैं, क्योंकि यूजुअली जो हमसे पूछा जाता है, जो डॉक्टर हमसे पूछता है या हमारी जो हार्ट बीट चेक करता है, वो पर मिनट के हिसाब से चेक करता है, तो हमें पर मिनट भी जानना जरूरी है. तो इसमें आंसर हमारा आएगा 6200 पर मिनट ऑफ एडल्ट एंड हेल्दी. ये कंडीशन है कि एक एडल्ट की है ये जो हार्ट बीट आपको पर मिनट की बताई गई है, वो एक एडल्ट पर्सन की है, एडल्ट और प्लस हेल्दी. एडल्ट के साथ साथ हेल्दी पर्सन भी होना चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हार्ट पेशेंट होता है जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट अप्स एंड डाउन होती रहती हैं, तो नॉर्मल जो हमारी हार्ट रेट है वो 60 to 100 पर मिनट के बीच में आती है. यूजुअली 72 भी बोला जाता है, लेकिन 60 to 100 के बीच में मिनिमम ही होती है, वो बिल्कुल नॉर्मली होती है. नाउ कम टू द आंसर नंबर 10. हाउ मच ब्लड डज द हार्ट पंप इन अ लाइफ टाइम. हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है, वो कितने लाइफ टाइम में, पूरे अपने लाइफ स्पैन में कितने टाइम्स हार्ट पंप करता है. हाउ मच, सॉरी, कितने टाइम नहीं, हाउ मच मीन्स कितना ब्लड पंप करता है. तो आंसर नंबर 10, द ह्यूमन हार्ट पंप्स अबाउट 1 million बैरल्स ऑफ ब्लड इन अ लाइफ टाइम. 1 million बैरल, BARRELS, 1 million बैरल्स पूरे लाइफ टाइम में. अभी आपको मिलियन का बताया था, 1 million इज इक्वल टू 1000, तो 1000 बैरल हो गया इन योर सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, अब बैरल क्या होता है ये जानेंगे कि बैरल जो होता है वो एक कैग होता है. कैग मीन्स जो कनस्तर टाइप होता है, इस टाइप से वो बना होता है. यू कैन गूगल दिस, आप इसको वर्ड को गूगल जब करेंगे, बैरल जब लिखेंगे, तो उसमें बहुत सारी पिक्चर्स बैरल की निकल कर आएंगी, तब आपको मालूम होगा कि बैरल क्या चीज होती है. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What size is the human heart of a person? Number 11. Human heart ka size kya hota hai? Ek roughly size aapko isme bataya gaya hai. If I close my fist, agar main apni mutthi band kar leti hu, to is mutthi ki size ke barabar mera heart hoga. जो जितना हेल्दी होगा पर्सन, जितना लंबा होगा उसकी फिस्ट जो होगी वो उतनी ज्यादा थोड़ी बड़ी होगी. तो रफली साइज है ये, नॉट एक्चुअल साइज. तो वो जब जितनी अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, उसके ह्यूमन हार्ट उतना ही साइज का होता है. ठीक है, पर्सन्स क्लोज फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के बराबर. नाउ कम टू द आंसर नंबर 12. विच ऑफ द लंग्स इज लार्जर इन साइज. कौन सा लंग्स साइज में बड़ा होता है? द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर इन साइज. जो हमारे एवरीवन नो के लंग्स टू होते हैं, दे आर टू लंग्स इन आवर बॉडी. एक राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है, ऐसी शेप में बना हुआ. ठीक है, इस तरीके से बना हुआ होता है. तो हमारा जो राइट साइड का जो लंग है हमारा, वो स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट, वो थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट की अकॉर्डिंग. अब कितना, अप्रोक्सीमेटली 1.3 किलोग्राम लेफ्ट. लेफ्ट वाला जो होता है हमारा, अप्रोक्स बता देती हूँ, 1.3 केजी. And right is
लिटिल हैवियर देन दिस. ठीक है, क्लियर हो गया. नाउ कम टू द 13 क्वेश्चन. व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लड? एवरीवन नो दिस आंसर. द कलर ऑफ माय ब्लड, एवरीवन्स ब्लड कलर इज रेड. रेड कलर का होता है ब्लड. नंबर 14 क्वेश्चन इज, व्हाट इज आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री फारेनहाइट. अभी इसमें थर्मोमीटर में हम अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हम अपना थर्मोमीटर में मेजरमेंट करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसमें फारेनहाइट में बताया गया है. इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, दैट इट विल बी 36.8889 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो फारेनहाइट में नॉर्मल जो थर्मोमीटर से चेक किया जाता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट और सेल्सियस में इतना, बट ये सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करके बताया गया है ओनली. लेकिन जब आपसे डॉक्टर आपका मेजरमेंट पूछता है तो वो फारेनहाइट में पूछता है. ठीक है, क्लियर हो गया. कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट आंसर. हाउ मेनी टीथ डज एन एडल्ट पर्सन हैव? एक एडल्ट पर्सन मीन 17-18 एज से 25, मीन 17-25 एज का पर्सन जो है उसके कितने टीथ होते हैं? 32. द आंसर इज 32 टीथ ऑफ एन एडल्ट पर्सन. ठीक है, आई होप सभी आंसर्स आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे. बट दिस इज द वर्क ओनली टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेनिंग यू, नॉट टू डू वर्क इन योर नोटबुक. आई विल प्रोवाइड द नोटिस एंड योर नोट, विच वर्क यू हैव टू डू इन योर कॉपी. जो आपको कॉपी में करना है वो नोट के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. दिस इज ओनली एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वर्क. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.